नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूँ सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा यह विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। हमसे जुड़ने का एक और जरिया है, आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल। और दर्शकों, अगले आधे घंटे के लिए हम कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का एक सत्र लेकर आए हैं। और आज अपने इस कॉन्वर्सेशन में हम चर्चा करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, पार्ट वन। और इसी विषय पर और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। पर उससे पहले G20 से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर, दैट्स 2023। The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say, the world is one family. जी हाँ, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार जी से। नमस्कार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। सर, इस PGT हिस्ट्री करंटली सर्विंग एट केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल। एंड व्यूअर्स इन दिस लाइव सेशन, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, कुछ भी आपके जो प्रश्न हैं आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप सभी की स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को ज़रूर नोट डाउन कीजिए, 8800440559। और 10वीं कक्षा के हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक आधिकारिक मेल ID आपकी स्क्रीन पर, dth.class10@cit.nic.in। तो सर, सीधा आपसे जानते हैं कि आज नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे बच्चे आज क्या सीखेंगे? हाँ जी, वंस अगेन थैंक यू। एंड बच्चों, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री बुक इन द लास्ट 3 or 4 सेशंस इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। Today we will start with the third chapter, the mandatory chapter of class 10th history, that is nationalism in India. So at first, let's see what the major topics we have to cover in this session. That means session first. Factors that led to the rise of nationalism in India, arrival of Mahatma Gandhi in Indian politics, the idea of Satyagraha, Tarorat Act and Jallianwala Bagh incident, beginning of non-cooperation in India, reasons of failure of non-cooperation. We will try that all these points we can cover today itself. Let's go ahead. So, all we know, India got freedom on 15th August 1947 after almost 200 years of British rule. So, what does the independence mean? What does this freedom mean? बच्चों, आज हम आसानी से अपने एक्सप्रेशन को शेयर कर सकते हैं। आज जब भी हमें कुछ बुरा लगता है, वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। क्या आज से 200 साल पहले, आज से 250 साल पहले, क्या ये हमारे लिए इतना आसान था? नो। हमें कहीं भी जाने आने के लिए, हमें अपनी बातों को रखने के लिए कई तरह के प्रतिबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ लगा रखा, जिसके कारण हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। एंड दिस जर्नी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट वेरी स्मूथ। सिंस 1830s वेरियस रिवोल्ट वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बट वर क्रस्ट वेरी इजी। क्यों इतने सारे विरोध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए और क्यों उसे आसानी से दबाए जा सके? आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत के जितने भी विरोध थे, बहुत ही लिमिटेड एरिया में इसका एक्सटेंशन हुआ था और बहुत कम लोगों के द्वारा शुरुआती ये विरोध अंजाम दिए गए। फर्स्ट मेजर रिवोल्ट एट नेशनल लेवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1857, व्हिच इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई
पहला कह सकते मेजर रिवोल्ट जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1857 में हुआ था, जिसने भारत के बहुत सारे राज्य पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी राज्य इसमें शामिल हुए। कई सारे राजाओं ने इसमें कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। भारत के लगभग सभी कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, सभी कम्युनिटीज, राजाओं ने, सैनिकों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, कारीगरों ने, सभी लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया बच्चों। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद इतने बड़े विद्रोह को कंपनी ने बहुत ही आसानी से दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के बावजूद एक बहुत ही अच्छी चीज भी निकल कर सामने आई कि लोगों को अब यूनिटी का मतलब समझ में आने लगा, लोगों में अब नेशनलिज्म की भावना निकल कर सामने आने लगी। आइए इन द नेक्स्ट स्लाइड, एट फर्स्ट वी विल सी व्हिच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए भारत में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, उसी को हम करेंगे। So, बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। इसमें से सबसे पहले हम नाम रख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। मुझे नहीं लगता मुझे आज ये टॉपिक दोबारा बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लास्ट कुछ सेशंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे पूरा 3 सेशन किया था हमने। इसके बाद क्लास 10th की हिस्ट्री के भी पहले सेशन में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया के सामने नेशन शब्द का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के लोगों को यूनिटी और फ्रेटर्निटी सिखाई। सिटीजनशिप जो शब्द है वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के सामने आया। दैट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो राष्ट्रवाद की भावना है ना केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में नेशनलिज्म की भावना क्या हुई, तेजी से आगे बढ़ती चली। सेकेंड, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। बच्चों मैंने पहले ही कहा था, अभी जस्ट कुछ सेकेंड पहले बताया था कि फेलियर रिवोल्ट ऑफ 1857 इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसको कंपनी ने बहुत ही आसानी से कुचल दिया। और इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था कि जितने भी जो विद्रोही थे उनमें कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं, किसी भी प्रोग्राम में यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई भी एक ऐसा नेशनल एसोसिएशन नहीं था जो सभी ग्रुप्स को लीड कर सकता, या एक ऐसे नेशनल लीडर का आप कह सकते हैं कंप्लीटली एब्सेंस था जो इस पूरे रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज करता, जिसके कारण रिवोल्ट के तुरंत बाद भारत में राजनीतिक दलों की स्थापना की एक कड़ी सी बंदी चली गई, ताकि एक यूनिफॉर्म लोगों के डिससेटिस्फेक्शन के लिए एक यूनिफॉर्म स्टेप उठाया जा सके। इसी क्रम में आप देख सकते हैं भारत में राजनीतिक दलों की स्थापना होनी शुरू हुई। 1852 से ही बहुत सारे राजनीतिक दल बनने शुरू हो गए। उदाहरण के लिए बॉम्बे एसोसिएशन है 1852 में बना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है 1866 में बना, देन नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में, इंडियन सोसाइटी 1872 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल बने। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को नेशनल लेवल पे एक्सपेंड करने में सफल नहीं हो पाया। इट वाज इन द ईयर 1885 विद द कोऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक राजनीतिक दल बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बाद भारत की आजादी को एक नई दिशा मिलनी शुरू हुई। देन अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, हम आगे भी पढ़ेंगे। गांधी जी अफ्रीका से लीगल प्रैक्टिस के बाद भारत आए थे, और जब उन्होंने भारत की राजनीति को के कमांड को अपने हाथों में लिया तो एक नया बदलाव भारतीय राजनीतिक लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई में दिखना शुरू हो गया। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रेसिव पॉलिसी बाय द ब्रिटिश, एक और जहां अंग्रेजों ने हमारा जबरदस्त शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, वही उनके ना चाहते हुए भी उनके द्वारा उठाए गए कदम भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई। हम सभी जानते हैं अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे एक्ट बनाए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, आर्म्स एक्ट बनाया,
सबसे बड़ी बात क्या थी, ये जो भी एक्ट बने थे पूरे भारत में यूनिफॉर्म तरीके से लागू किए जाने थे, और यही कारण है कि इन एक्ट से जो परेशानी उठ रही थी वो भारत के किसी एक क्षेत्र के लोगों को नहीं हो रही थी, बल्कि पूरे भारत के लोगों को इससे परेशानी हो रही थी, जिसने भी भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। एंड एट लास्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिया। बच्चों आपको मालूम है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम सभी को मालूम है कि ब्रिटिश सरकार ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट टाइम, सो दे फोर्सफुली इंक्लूडेड इंडियंस टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडिया हैव टू पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसका नुकसान भारत पे हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, भारत की इकोनॉमी पे बड़ा लोड पड़ा, भारत के लोगों पे तरह तरह के टैक्सेशंस इंपोज कर दिए गए, जिसके कारण फाइनली भारत के लोगों को इनमें राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत तेजी से उभरने शुरू आई। अब इसके बाद आगे देखते हैं, गांधी जी से हम शुरुआत करते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति की शुरुआत किस तरीके से अपने हाथों में ली। बच्चों आप सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जन्म लेने वाले महात्मा गांधी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए। लंदन में उन्होंने लॉ की स्टडी की, देन आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ बैचलर इन लॉ ही वेंट साउथ अफ्रीका फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्स। यहां पे उन्हें रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें पार्शियल सक्सेस भी मिला, और जिसके कारण गांधी जी का नाम पूरे दुनिया में क्या हुआ, पॉपुलर होता चला। इसी समय बिहार के चंपारण के एक प्रेजेंट लीडर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को भारत इनवाइट किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और भारत आने के बाद गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जिसमें द सीरीज ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट इज नोन एज सत्याग्रह। So, he came back to India in 1915, और आने के साथ ही उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मेथड अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए लॉन्च किया। This weapon, lethal weapon you can say, without using any violence, this moment is known as सत्याग्रह मूवमेंट। आइए सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि ये सत्याग्रह मूवमेंट क्या है। बच्चों ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सत्याग्रह मूवमेंट की सबसे पहले शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से की थी, रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई करने। सत्याग्रह इज अ नॉन अग्रेसिव एंड पीसफुल सर, इससे पहले इस आइडिया की ओर आगे बढ़े, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट बताया कि सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी टू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म, तो मैं चाहूँगी आप हमारे जो बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रेसिज्म के बारे में भी बताएं। रेसिज्म एक्चुअली इट इज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द रेस। जनरली एक्चुअली जब हम बात करते हैं यूरोप में ब्लैक्स और व्हाइट के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, जो अपार्टेड यूरोप में अमेरिका में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है जो अपार्टेड के नाम से जाने जाती है। इसमें ब्लैक रेस जो है उसे इंपीरियर माना जाता है, और व्हाइट रेस के लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। जब हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में ये गोरे और कालों की लड़ाई बहुत तक आगे बढ़ चुकी है। काले लोगों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई थी, they were not allowed to participate in the election, they were not allowed to get the higher education, even having a proper ticket of the railway, they can't travel in the first class coach of railways. कलम में नहीं जा सकते थे, स्कूलों में नहीं जा सकते थे, बसों में वो नहीं बैठ सकते थे जहां पे गोरे गोरों को बैठने के लिए सीट्स रिजर्व किए जाते थे। सो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसी रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में लड़ाई स्टार्ट की थी, वो लड़ाई सत्याग्रह। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्याग्रह लड़ाई आखिर होती क्या है। सत्याग्रह इज द नॉन अग्रेसिव एंड पीसफुल मास मूवमेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। गांधी जी का मानना था कि हमें किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमारा जो लड़ाई का हथियार होगा इट विल बी ए नॉन वायलेंट वेपन, हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना होगा। और गांधी जी का मानना था
कि किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ अगर सच्चाई के साथ हम अपनी बात को आगे रखेंगे तो आगे वाले को, शोषण करने वालों को एक न एक दिन उसे रुकना पड़ेगा। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस को आप हमारी कमजोरी मत समझिए, इट इज नॉट ए पैसिव रेजिस्टेंस, इट इज एन एक्टिव रेजिस्टेंस, जो कितना भी बड़ा शोषक क्यों ना हो एक न एक दिन उसे झुकने के लिए मजबूर कर देता है। दिस वाज द सत्याग्रह मूवमेंट। सो गांधी जी ने भारत में शुरुआत में तीन सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए, जैसा कि हमने बताया था 1918 में भारत आए और पहला सत्याग्रह उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंटेशन किया। बच्चों आप सबको मालूम है, आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चंपारण में इंडिगो फोर्सफुली उत्पादन करवाया जाता था, कल्टीवेट करवाया जाता, और इसी के खिलाफ किसान ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। गांधी जी चंपारण पहुंचे, उन्होंने किसानों को साथ दिया और कई जगह रिप्रेजेंटेशन उन्हें देना पड़ा। पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दिया, वहां नहीं सुना गया, फिर गवर्नर के पास दिया, वहां पे भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने चंपारण में इंडिगो के खिलाफ इंडिगो सत्याग्रह को इंप्लीमेंट करने का निश्चय किया। और जैसा कि गांधी जी का मानना था, अंग्रेजों को फाइनली झुकना पड़ा और कई सारी रियायतें चंपारण के किसानों को मिलनी शुरू हुई। देन 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया। एक्चुअली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्लेग एपिडेमिक के कारण क्रॉप का फेलियर हो गया, लेकिन इसके बावजूद किसानों से लैंड का रेंट भी कलेक्ट किया जा रहा था और हाई अमाउंट ऑफ रिवेन्यू को भी कलेक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और यहाँ भी अंग्रेजों को कई सारी मांगे माननी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट सत्याग्रह उन्होंने अहमदाबाद में मिल मालिक और मिल वर्कर्स के बीच जो झगड़ा था उसको दूर करने के लिए स्टार्ट किया, जिसमें प्रॉपर वेजेस का डिमांड था, प्रॉपर वर्किंग आवर्स का मजदूरों का डिमांड था। इस मूवमेंट के बाद भी मजदूरों को कई सारी रियायतें मिलनी शुरू हुई। बच्चों इन तीन सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट के बाद गांधी जी की पॉपुलैरिटी पूरे भारत में फैलनी शुरू हो गई। Everyone in the entire country started to know about Mahatma Gandhi, but still there was a problem. कि इन तीनों मूवमेंट में से अभी तक जो भी मूवमेंट थे, सारे जो इश्यूज थे, these were the regional issues. कोई भी एक ऐसा नेशनल इशू के खिलाफ गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया। और इसी समय गांधी जी को एक मौका मिला जब 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिप्रेसिव एक्ट को इंप्लीमेंट किया जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता। क्या था ये रॉलेट एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनी पर्सन फॉर 2 इयर्स विदाउट एनी ट्रायल। भारत के किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक हो उसको 2 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार जो है अरेस्ट कर सकती थी और उसके लिए कोई भी ट्रायल करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। और इस एक्ट का एम क्या था? Was to destroy the national movement and imprisoning the national leader. कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की बात चल रही है, जो national leader के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, इन सभी को बंद किया जा सके। और यही कारण है कि इस एक्ट को रॉलेट एक्ट के साथ साथ ब्लैक लॉ के रूप में भी जाना गया। और इसी समय का इसका फायदा उठाते हुए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक ऑल इंडिया रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करने का निश्चय किया अप्रैल 1919 में। चलिए और ये सत्याग्रह कहां लॉन्च किया जाना था? इट वाज टू लॉन्च इन अमृतसर। वो चाहते थे गांधी जी कि 6 अप्रैल को एक्चुअली क्या हुआ, पहले 6 अप्रैल को इसके खिलाफ पूरे भारत में जहां जहां भी हो सका हड़ताल को ऑर्गेनाइज किया गया। गांधी जी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट तरीके से इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ मूवमेंट को छेड़ा जा सके, लेकिन पब्लिक में इसके खिलाफ रोष आ गया, गुस्सा आ गया, जगह जगह पे रैली ऑर्गेनाइज की गई, दुकानों को क्लोज डाउन किया गया। और इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर लगने लगा कि संभवतः जो विद्रोही हैं वो रेलवे लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो टेलीग्राम लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं,
और इसीलिए उन्होंने जो प्रमुख नेता थे उनको क्लैंप डाउन करना शुरू कर दिया, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और गांधी जी को दिल्ली में इंटर करने से उन्होंने रोक लगा दिया। इसी समय दो दिन के बाद 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, एक 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन चल रहा था उसके खिलाफ भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण पब्लिक में फिर से गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को बंद करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन को भी डिस्टर्ब करना शुरू। जी हाँ सर, बहुत ही विशेष जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ और हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ साझा कर रहे थे, पर सर समय बहुत कम है। बिल्कुल सर, इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर इस सत्र का समापन करेंगे। सो जैसे ही ये वायलेंस स्टार्ट हुआ, रेलवे लाइन डिस्टर्बेंस शुरू हो गए या डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, इसी समय ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अमृतसर में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, लेकिन इसकी सूचना प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं की गई, लोगों तक इसकी सूचना नहीं पहुंच पाई और जनरल डायर ने इस समय शहर का चार्ज अपने हाथों में ले लिया। एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पीपुल वर अनअवेयर विद द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, और 13th अप्रैल जो बैसाखी का दिन भी होता है पंजाब में, बैसाखी का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जलियांवाला बाग जो कि एक एनक्लोज्ड बाग था वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ एक बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही साथ रोलेट के खिलाफ सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए भी इकट्ठा हुआ। इसी समय जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर किया, सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और अपने सिपाहियों को क्राउड के ऊपर फायर करने का ऑर्डर दे दिया। हंड्रेड ऑफ राउंड्स गोलियां चली जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में ये घटना जलियांवाला बाग मसकर के नाम से जाना जाता है और जलियांवाला बाग का मसकर बच्चों भारतीय इतिहास के लिए आप कह सकते हैं एक नया माइलस्टोन है, क्योंकि इसने भारत की आजादी को एक नई दिशा देने शुरू कर बच्चों। एज टुडे वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हाट मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। Surely, sir. Sir, thank you so much for being a part of this conversation and enlightening us with the important piece of information. Thanks a lot. और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी दर्शक आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे एक और सत्र लेकर। साइंस का ये सत्र रहेगा फॉर ऑल क्लास नाइन स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक विल बी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जी हाँ, और आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें खरीद सकते हैं एनसीईआरटी के विभिन्न सेल्स काउंटर से जो फिलहाल नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं www.ncertbooks.ncert.gov.in। और इसके अलावा यदि आप PDF यानी सॉफ्ट कॉपी वर्जन में भी इन टेक्स्ट बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो इसके विभिन्न माध्यम हैं, जैसे आप कर सकते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए, साथ ही हमारी ई पाठशाला वेबसाइट के थ्रू और NCERT के अपने मोबाइल एप्लीकेशन। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncert.nic.in। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए। बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ और देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। नमस्कार।